दिल्ली नगर निगम के 13 वार्डों में हुई जिमनी चोणों के नतीजों का ऐलान। आम आदमी पार्टी ने जितिया 5 सीटा, कांग्रेस को भी दिल्ली मिली लाइफलाइन, किया 4 सीटा का कब्जा, बीजेपी ने जितिया 3 सीटा। पर सब तो बड़ा सवाल कि दिल्ली के नतीजों का पंजाब से की पवेगा असर। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस की नवी सूबा कार्यकारिणी की बैठक खत्म। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते शकील अहमद ने टीम के नवे मैंबरों नाल कीती बैठक। कार्यकारिणी के मैंबरों नूं सौंपियां गईयां ड्यूटियां। 30 मई नूं फिर तो होएगी मीटिंग। जी पंजाब नड़ा हिमाचल नूं पंजाब विच केबल ते ब्लैकआउट होण ते डिप्टी सीएम की सफाई, कहा पंजाब सरकार का कोई रोल नहीं, केबल नैटवर्क ते डिश केंद्र के अधीन, आपे सुलझाओ बिजनेस के मसले। तरन तारण विच पंसब दे कणक गोदाम विच फिर लगी अग, अग बुझाऊ गड्डियां नहीं पहुंचियां मौके ते, मजदूर खुद अग बुझाउण दी कर रहे ने कोशिश, कल लगी अग विच होया सी वड्डा नुकसान। पहलवान सुशील कुमार दी पटीशन ते दिल्ली हाई कोर्ट दा कुश्ती संघ अते केंद्र सरकार नूं नोटिस। कोर्ट ने कहा आपस विच बह के सुलझाओ मसला। रियो ओलंपिक दे लई नरसिंह यादव नाल ट्रायल मैच करवाउण दी कीती सी मंग। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने ब्यास विच कीता सोलर प्लांट का उद्घाटन। सूरजी ऊर्जा नाल पंजाब दे पिंडां विच बिजली पहुंचाउणा है सरकार का टीचा।